हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय मौर्य और आप देख रहे हैं अजय सर जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए हिंदी विषय का लेसन प्लान लेकर के आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों, सर्वप्रथम आप ऊपर पाठ योजना संख्या लिख देंगे, फिर नीचे विद्यालय का नाम लिखेंगे, जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य के लिए गए होंगे उस विद्यालय का नाम लिख देंगे। फिर उसके बाद पाँच कालम बनाएंगे, दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र, अवधि। दिनांक के नीचे उस तिथि को अंकित कीजिए जिस तिथि में आप शिक्षण कार्य कर रहे हैं, जिस कक्षा को पढ़ा रहे हैं कक्षा के नीचे, जिस विषय का शिक्षण कर रहे हैं विषय के नीचे लिख देंगे। जो पीरियड होगा उसको आप यहाँ दर्शा लेंगे चक्र के नीचे, और उसकी जो अवधि होगी आप अवधि के नीचे लिख देंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा प्रकरण है नीड़ का निर्माण फिर। यह हिंदी पद्य से लिया गया है, कक्षा 8 से। सामान्य उद्देश्य देख लीजिए। नंबर 1, बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना। नंबर 2, बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना। नंबर 3, बच्चों को धारा प्रवाह गति तथा शुद्ध उच्चारण के साथ कविता पढ़ना सिखाना। नंबर 4, बच्चों को हिंदी वर्तनी के शुद्ध प्रयोग के बारे में बताना। नंबर 5, बच्चों का मानसिक व चारित्रिक विकास करना। फिर विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में नंबर 1, बच्चों को जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा प्राप्त होगी। नंबर 2, बच्चों को नवनिर्माण की प्रेरणा प्राप्त होगी। नंबर 3, बच्चों में निराशा के क्षणों में अपने आप को संभालने की क्षमता जागृत होगी। फिर शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि और व्याख्यान विधि। फिर शिक्षण विधि के नीचे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चार्ट पेपर पर बने पेड़ पौधों का चित्र जिसमें चिड़ियों का घोंसला बना हो तथा अन्य कक्षा उपयोगी वस्तुएं। फिर उसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में बच्चे प्राणियों को जीवित रहने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक है कि सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना। प्रस्तावना में 3 कालम बनाएंगे, क्रम संख्या, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। प्रश्न करेंगे, नंबर 1, पृथ्वी पर सबसे जागरूक प्राणी कौन है। छात्र बताएंगे मनुष्य। अगला प्रश्न बना लीजिए। नंबर 2, मनुष्य को जीवन जीने के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है। छात्र बताएंगे भोजन, जल तथा वायु अर्थात ऑक्सीजन। तीसरा प्रश्न बना लीजिए, ऑक्सीजन गैस मनुष्य को किससे प्राप्त होता है। छात्र बताएंगे पेड़ पौधों से। अगला प्रश्न बना लीजिए, नंबर 4, पेड़ पौधों पर कौन कौन से जीव निवास करते हैं। अब यहाँ बच्चे बताएंगे पक्षी, गिलहरी तथा कीड़े मकोड़े आदि। अगला प्रश्न, पक्षियाँ पेड़ पौधों पर अपने रहने के लिए क्या बनाती हैं। छात्र मौन हो जाएंगे, यही हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ बच्चे बता भी सकते हैं, आसान है, बता भी सकते हैं कि अगर बताते हैं बच्चे की घोंसला तो क्या करेंगे। अगला प्रश्न आप यहीं बना लेंगे, घोंसला का पर्यायवाची बताइए, तब मौन हो जाएंगे, उसको आप समस्यात्मक प्रश्न बना लेंगे। उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम लोग नीड़ का निर्माण फिर नामक कविता का रसास्वादन करेंगे। इस कविता के रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रस्तुतिकरण, नीड़ का निर्माण .. आदर्श वाचन, छात्राध्यापक द्वारा उचित लय, आरोह अवरोह के साथ कविता का आदर्श वाचन किया जाएगा। अनुकरण वाचन, कतिपय छात्रों द्वारा करवाया जाएगा। फिर काठिन्य निवारण में शब्द और अर्थ। यहाँ देखिए कठिन शब्दों का आप अर्थ लिखेंगे, नीड़ अर्थात चिड़ियों का घोंसला। नेह स्नेह प्रेम, आह्वान आमंत्रण या बुलाहट, भीत भयभीत डरा हुआ, प्राची पूर्व दिशा, भीम कायावान भूधर विशाल आकार के पहाड़, विनिर्मित बने हुए, विहंगम पक्षी। फिर उसके बाद नीचे भाव विश्लेषण एवं रसानुभूत, 2 कालम बनाएंगे, छात्र अध्यापक कथन, छात्र कथन। यहाँ प्रश्न करेंगे बच्चों से, मनुष्य अपने रहने के लिए किस चीज़ का निर्माण करते हैं। छात्र बनाएंगे मकान का। अगला प्रश्न, चिड़िया अपने रहने के लिए क्या बनाती है। छात्र बनाएंगे घोंसला। अगला प्रश्न, चिड़िया का घोंसला बनाना क्या संकेत करता है। मौन हो जाएंगे छात्र, अब व्याख्या बताएंगे। कभी कहता है कि पक्षी अपने घोंसले को बार बार बनाते हैं और बार बार प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। आकाश में आंधी आ जाती है, चारों ओर अंधकार छा जाता है, धूल से सने बादल पृथ्वी की ओर झुकने लगते हैं, दिन अंधकार के कारण रास्ता मालूम होता है।
और रात्र की चारों ओर कालिमा छा जाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि अब इस रात्रि का अंत नहीं होगा। रात के भयंकर उत्पात के डर से संसार का प्राणी भयभीत है, पृथ्वी का कणकण भयभीत है। परंतु फिर पूर्व दिशा से उषा की सुनहरी किरणें मनमोहनी मुस्कान देती हुई प्रभात का संकेत देती हैं और पक्षियों का पुनः घोंसलों को बनाना तथा प्रेम का प्रदर्शन आरंभ हो जाता है। दोस्तों, अगर आप अन्य विषय का भी लेसन प्लान चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जा करके आप लेसन प्लान देख सकते हैं। अगला प्रश्न, तेज हवा के कारण कुछ पेड़ पौधों को क्या नुकसान होता है? छात्र बताएंगे उखड़ कर गिर जाते हैं। अगला प्रश्न, भयंकर तूफान से जब चिड़ियों का घोंसला नष्ट हो जाता है तब क्या होता है? मनोजांग के साथ व्याख्या बताएंगे। पवन के घोर झोंके चलने लगे जिससे बड़े बड़े पर्वत भी कंपायमान हो उठे। बहुत से वृक्ष जड़ से उखड़ कर गिर पड़े हैं। बड़े बड़े पेड़ पौधे टूट गए हैं। इतने भयंकर तूफान से छोटे छोटे घोंसले नष्ट हो गए हैं। अरे आशा के पक्षी, तू कहाँ पर छिपा है? भयंकर तूफान में भी आसमान पर ऊंचाई पर उड़ने लगता है और गर्वपूर्वक अपनी छाती पर चोट को सहन कर लेता है। प्रातःकाल होते ही अपने उजड़े घोंसले को बनाने में फिर जुट जाता है और प्रेम का प्रदर्शन करने लगता है। कठिनाइयों की परवाह नहीं करता है और प्रगति पथ पर बराबर चलता ही रहता है। इसके बाद आदर्श वाचन छात्र अध्यापक द्वारा किया जाएगा, फिर अनुकरण वाचन कथित छात्रों से करवाया जाएगा, फिर मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न है, नेह का आह्वान फिर फिर से कब कब के आशा है? नंबर दो, निराशा में आशा का संचार किस रूप में होता है? नंबर तीन, सतत संघर्ष और निर्माण की क्रियाओं की उपमा कवि ने किससे की है? दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं अजय सर जी यूट्यूब चैनल। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगला, श्याम पटकार छात्र अध्यापक छात्रों से श्याम पटकार अपनी कापी में उतारने के लिए कहेंगे। निरीक्षण कार्य, जब छात्र श्याम पटकार अपनी कापी में उतार रहे होंगे तब छात्र अध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कापियों का निर्माण करेंगे। गृह कार्य, आशा ही जीवन है विषय पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। नीचे हस्ताक्षर छात्र अध्यापक, फिर हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। इसी साथ लेसन प्लान समाप्त हो रहा है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।